को बाकी रखते हैं, ये इल्जाम भी तो लगाया जा सकता है। आप एक और इल्जाम लगा सकते हैं जो लगाना भूल गए, वो इल्जाम ये है कि बाद हदीसों में आया है कि मेहंदी का जहूर हिंद से होगा, हिंदुस्तान से होगा। अब मुहद्दिसीन ने इन हदीसों की को ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं दी कि ये अखबार आहाद है, यानी खबरें वाहिद है, कमजोर हदीसें हैं, तो मुहद्दिसीन ने इनको ज्यादा अहमियत नहीं दी। मगर फिर भी हदीस तो है, हिंद से निकलेंगे। आप फौरन ये इल्जाम लगाइए कि इनका इरादा ये था कि अपने आप को महदिया माऊ साबित करें, इसलिए ये हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ये इल्जाम लगाइए, ये क्यों वाक्य रखते हैं आप? अब देखिए आगे चल के ये जो गुल खिलाते हैं वो एक अजीब वगैरह गुल खिलाते हैं। इनका कहना ये है कि पहले तो ये कहते हैं कि ये हज का वाकया किसी तारीख में है ही नहीं, चलिए बात खत्म हुई। हालांकि मुल्ला अब्दुल खादिर बदायूनी खुद लिखते हैं कि हज के आप मक्के मुअज्जमा से हज से फारिग होने के बाद खुरासान तशरीफ लाए। खैर, तारीख की किताबों में हरगिज नहीं है, इनका कहना ये है। तो फिर वाकया ही गलत हुआ, आपका हज को जाना ही सरासर गलत हो गया। मगर फिर ये इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने हज के मौके पर बैत नहीं ली, सब लोग जाने के बाद बैत ली। आप गौर तो फरमाइए, ये इल्जाम किस किताब में ये लिखा है? जब आपने ये कह दिया कि तारीख में इसका जिक्र है ही नहीं, तो फिर ये कहाँ से मालूम हुआ आपको कि मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने सब लोगों के जाने के बाद बैत ले ली? ये बात आपको कैसे मालूम हुई? आपको कैसे पता चला कि सब लोगों के जाने के बाद आपने बैत ली है तारीख में, जबकि इसका जिक्र ही नहीं है? अच्छा, आपने एक बात तो कम से कम मान ली कि हमारे इमाम ने रुकन मकाम के दरमियान बैत ली है, ये तो आपने मान लिया। अब आप उसको कमजोर करने के लिए या उसकी तरदीद करने के लिए ये झूठी बात पैदा करते हैं कि सब लोगों के जाने के बाद आपने बैत ली। ये फ्रॉड है, ये ऐसे लोग सोच सकते हैं जो धोखा देने वाले, वो हस्ती जिसके किरदार जिसके अखलाक को हजारों लाखों लोगों ने देखा अपनी आंखों से, उस हस्ती से इस फ्रॉड की खुदा न खास्ता तवक्को नहीं की जा सकती। ये तो धोखेबाजी है, सब लोगों के जाने के बाद बैत कर लेना, बैत ले लेना, ये तो धोखाबाजी है। ये आपके दिमाग में आ सकती है बात, हमारे इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की जात अकदस इससे बहुत बड़ा वाला है। भाई आप आफ्ताब पे धूल उड़ाते हैं तो आफ्ताब तक तो धूल पहुंचती नहीं है, पलट के आपके मुंह पे गिरती है। तो ये झूठा इल्जाम, सरासर झूठा इल्जाम है, और ये किसी तारीख में मौजूद नहीं है। मगर कॉमन सेंस से हमारे लड़के और हमारी लड़कियां इस बात पे गौर करें कि ये इल्जाम क्या ये मुमकिन था आपसे, हमारे इमाम मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम से? नऊज़ुबिल्लाह, क्या आप इस किस्म की गिरी की हरकत करते? कैसे मुमकिन था? आप देखिए, सबसे पहले बैत करने वाले कौन है? शाह निजामुद्दीन, अभी मैंने नाम पढ़ा। शाह निजाम कौन है? जाइस के बादशाह थे, बादशाह थे, हाफिज कुरान थे, अल्लाह के तालिब थे। अल्लाह ने आपके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दी, फिर कामिल की तलाश में सल्तनत छोड़ के निकल गए, अपने भाई को तख्त पे बिठा दिया। उस हस्ती से क्या आप तवक्को रखते हैं कि मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह ऐसी हरकत करें, उसके बाद आप बैत करें, और वो भी हज बैतुल्लाह के मौके पर, जबकि ऐसी बड़ी इबादत अदा की जा रही है? दूसरे बैत करने वाले ख्वाजा अलाउद्दीन बिदरी हैं। ख्वाजा अलाउद्दीन बिदरी जो हैं वो रियासत बिदर के सदर खाजी थे, यानी चीफ जस्टिस थे, सदर खाजी थे। ख्वाजा अलाउद्दीन के जैसा जज खाजी औफिका का माह है, वह आपके हाथ पे बैत कर रहा है
क्या उसने ये नहीं देखा कि लोग जाने के बाद आप रात में बैठते रहे? आपने गौर फरमाया, अगर ऐसा होता तो वो बैठ क्यों करते? और तीसरी बात यह है कि 300 आदमी, 307 आदमी या जो भी हो, 300 से ज्यादा आदमी खुद आपके साथ हिंदुस्तान से गए थे, वो भी फरीज़े हज अदा कर रहे थे, वो भी इबादत के दौरान में उन्होंने आपसे बैठ की, तो अगर खुदा ना खास्ता सब लोगों के जाने के बाद आप बैठ लेते तो वो बैठ क्यों करते? आपसे बदतर ना हो जाते? वो आपसे आप पे एतराज ना करते कि भाई आप बैठ है सब लोगों के जाने के बाद आप बैठ ले रहे हैं, हम बैठ नहीं कर सकते आपसे? तो ये बात अखल में आने वाली नहीं है, यानी वाहे की जो 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 एविडेंस है, जो शहादत है, वाकयाती शहादत जो है, वो ये बता रहे हैं कि ऐसा होना नामुमकिन था। खैर, इस बहस को जाने दीजिए। अब मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि बहरहाल इन्होंने पहले तो वाहे ही का इनकार किया कि हमारे इमाम ने हज फरमाया था, इस वाकये ही का इनकार किया। मगर अब ये मान रहे हैं कि बैत हुई, ये भी मान रहे हैं कि रुकन मकाम के दरमियान में हुई। एतराज सिर्फ ये है कि लोगों के जाने के बाद हुई। अब फिर ये गम खाते हैं, ये बोलते हैं कि उस जमाने में बहुत कम लोग आते थे हज के लिए। अरे, का मतलब यह है कि अब जैसे आते हैं 3 मिलियन, 30 लाख लोग, उस जमाने में क्यों नहीं आते थे? इनको उसका अफसोस है। मगर कम हो या ज्यादा, सारी दुनिया से लोग आए थे, लोग मशक्कतें उठा के आए थे, और हज करने के बाद लोग फौरन ही वापस नहीं जाते थे, क्योंकि वो प्लेन का टिकट कटा के थोड़े आते थे, स्टीमशिप से थोड़ा ही आते थे। वो तो उस जमाने में दिक्कतें मशक्कतें उठा के, जान खतरे में डाल के पहुँचते थे और कोशिश करते थे कि से ज़्यादा अपना वक्त बैतुल्लाह में गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मदीने मुनव्वरा में गुजारें। तो लोग वापस कहाँ जाते हैं, जैसा कि इनका ख्याल है। खैर, अब ये बात इन्होंने मान ली कि आपसे बैत हुई। जो हदीस खुद एतराज करने वालों ने पेश की है उसमें ये कहा है हुजूर ने ये कब फरमाया कि हज के मौके पे बैठ लेंगे? रुकन मकाम के दरमियान में बैठ लेंगे ये है और ये हुआ। लिहाजा हदीस में जो अलामत बताई गई है वो आपकी दास्त जाहिर हो गई। बैत तो हमारे इमाम ने ले ली, रुकन मकाम के दरमियान बैत हो चुकी, आप गौर फरमा रहे हैं। और जो हदीस खुद आपने पेश की है उस हदीस की अलामत हजरत सैयद मोहम्मद मेहंदी माऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से जाहिर हो चुकी है। अब आपका ये कहना कि आपने बाद में बैत ले ली, या इस किस्म का जो आपका एतराज है कि लोगों के जाने के बाद आपने बैत ले ली है, ये एतराज खुद बखुद रफा हो जाता है।